तो फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं चंपा गली, और साकेत मेट्रो से ये अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर है। ये गली जो सामने दिख रही है ये है चंपा गली। चलिए चलते हैं अंदर। हेलो गाइस, आज हम आए हैं चंपा गली। ये साकेत मेट्रो के जस्ट पास है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी और सुना भी था यहाँ के बारे में। बहुत फेमस लोकेशन है, बहुत सारे कैफेज़ हैं, होटल्स हैं। तो आज हम लोग यहाँ आके एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। रवि बताओ, यहाँ पहले कभी आए थे भाई? नहीं, मैं पहले कभी तो आया नहीं, बस रिसेंटली मैंने ब्लॉग देखा किसी का। और रिसेंटली अभी एक मूवी का भी शूट हुआ है, लव आजकल 2 का, तो फिर मैंने देखा बहुत अच्छी लोकेशन दिखाई गई है, यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, तो मैंने सोचा जाके विजिट करना चाहिए हमें। हम दिल्ली में रहते हुए हमें जगह ही नहीं पता यहाँ पे है ऐसी चीज़ें। एग्जैक्टली। तो चलो देखता हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा लोकेशन है, और अभी देखता हूँ कि कैसा होटल है यहाँ पे, है क्या। और मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, फिर भी चलो लोकेशन को एक्सप्लोर करना है, देखना है। आइए देखते हैं। यहाँ तो बहुत सारे क्लब्स दिख रहे हैं, कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आई थिंक काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ घूमने में और इन्जॉय करने में। चलो चलते हैं सामने, यहाँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। कैफ़े दोस्ती, ये है सोशल स्ट्रीट। ये देखिए वॉल पे कितनी अच्छी पेंटिंग है, और रात का मंजर तो यहाँ औसम होता है, देखने लायक होता है। तो आइए सोशल स्ट्रीट के अंदर और देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये अंदर से भी काफ़ी फोटोजेनिक लोकेशन है, बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफी आप यहाँ कर सकते हो। अगर आप चंपा गली आते हो तो जगमग खेला कैफे ज़रूर विजिट करो, ये यहाँ का बहुत ही पॉपुलर लोकेशन है। आइए ले चलते हैं आपको अंदर। आपको अंदर बहुत सारी किताबें मिलेंगी पढ़ने के लिए, सोशल कॉमर्शियल नॉवेल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही काम और एम्बियंस यहाँ का काफ़ी अच्छा है ओवरऑल, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और ओवरऑल देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी स्पेशियस रेस्टोरेंट है और इसके पीछे भी कनेक्टेड और भी एक एरिया है जहाँ पर आप जा कर के बैठ सकते हैं, और कम्प्लीटली ओपन है वहाँ पर। चलिए आपको वहाँ पर भी ले चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ का भी एम्बियंस। तो ये देखिए, ये बाहर ग्राउंड है और उस ग्राउंड के आसपास काफ़ी बहुत सारे टेबल्स हैं, और वहाँ पर लोग बैठ के चिल करते हैं, बातें करते हैं, और आके बहुत सारी चीज़ें यहाँ आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ का लोकेशन, ये थोड़ा पीछे की तरफ है और ये पूरा खुला है रेस्टोरेंट के जस्ट पीछे। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, और दोस्तों के साथ यहाँ पर आप इन्जॉय कर सकते हैं। ये है जगमग खेला का पीछे का पूरा व्यू, ये देखिए। ये है कैफे दोस्ती, बड़ा प्यारा नाम है। चलिए ले चलते हैं आपको अंदर और देखते हैं यहाँ क्या क्या है और यहाँ की क्या स्पेशलिटी है। अगर आप कैफे दोस्ती आए हैं तो इटालियन, मैक्सिकन और चाइनीज जरूर ट्राई करें। द डेकोरेशन ऑफ कैफे दोस्ती इज रियली वेरी आई कैचिंग। ये है द ग्रीन व्यू कैफे, काफ़ी फोटोजेनिक लोकेशन है, आउटडोर फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए चलता हूँ अंदर और देखता हूँ अंदर में क्या है। वाओ, सो ब्यूटीफुल, क्या लोकेशन है यार। यहाँ की वॉल पेंटिंग तो यार सो ब्यूटीफुल। This is Continental Coffee Bar. यहाँ आपको हर वैरायटी की कॉफी मिल जाएगी, एक बार ट्राई जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छी कॉफी रहती है यहाँ की।
अगर आप चंपा गली आए हो तो एक बार लिबर्टी विलेज जरूर विजिट करो। बहुत सारी एंटीक पीसेस, गिफ्ट आइटम, फैंसी वियर, मेंस वियर, हर तरह की चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। बहुत सारी चीजें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आपको यूनिक वैरायटीज के लेडीज फुटवियर भी मिल जाएंगे, एक बार देखिए जरूर आकर। जुगाड़ एक फरीदाबाद बेस्ड एनजीओ है जो कि स्किल डेवलपमेंट पर काम करता है, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हैं ये वहाँ के जो बच्चे हैं और जो भी लोग वहाँ जुड़े हुए हैं तो उन्होंने ये सारे प्रोडक्ट्स को बनाया है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम जुगाड़ सो दैट देयर रेवेन्यूज कैन बी शेयर्ड टू द नीडी पीपल।